हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेम के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है एग्रीकल्चर हेरिटेज का, इसमें सेक्शन ए है जिसमें सभी क्वेश्चन दो दो नंबर के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हेरिटेज, सेकेंड क्वेश्चन है एसेट इरा, सी ग्रीन रेवोल्यूशन इरा, डी क्रॉप वॉयज, ई इंडिजीनियस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, एफ प्रेजेंट एग्रीकल्चर, जी प्लांट प्रोडक्शन, एच वेट कंट्रोल थ्रू एसेट मेथड्स, एंड आई रोल ऑफ फार्मर इन सोसाइटी, एंड जे प्लांट प्रोटेक्शन। उसके बाद जाते हैं बी सेक्शन में जिसमें सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंडियन हेरिटेज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, सेकेंड नंबर पे है डिस्कस एसेट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉर एग्रीकल्चर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर टू फील्ड क्रॉप्स, थर्ड नंबर पे है एक्सप्लेन नेशनल सेटअप ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, फोर्थ नंबर पे है एक्सप्लेन एसेट सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन टू फील्ड क्रॉप्स, एंड लास्ट में आता है एक्सप्लेन स्टेप वाइज जर्नी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू मॉडर्न इरा। उसके बाद आता है सेक्शन सी जिसमें सभी क्वेश्चन 10 नंबर के हैं। तो फर्स्ट है डिस्कस प्लांट प्रोडक्शन टेक्निक्स यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, सेकेंड नंबर पे है एक्सप्लेन क्रॉप वॉयज इन इंडिया एंड वर्ल्ड, थर्ड है डिस्कस डिफरेंट कंसर्न्स एसोसिएटेड विद इंडियन एग्रीकल्चर। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन पेपर जो है फॉरेस्ट्री का, तो उसमें फर्स्ट है ए पे है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री, बी हाई फॉरेस्ट, सी रीजनरेशन, डी क्राउन कवर, ई क्लीनिंग, एफ फॉर्म फैक्टर, जी बॉल हाइट, एच बॉसल एरिया, आई शेल्टर बेल्ट्स, एंड जे एलाय क्रॉपिंग। उसके बाद आता है सेकंड सेक्शन बी सेक्शन जिसमें फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वीकल्चर, सेकंड है सेलेंट फीचर ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन नेशनल रीजनरेशन मेथड एंड इट्स एडवांटेजेस, फोर्थ है स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ DBH गिर्थ ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज, उसके बाद लास्ट में है रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। उसके बाद सी सेक्शन में आते हैं जिसमें फर्स्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एग्रोफॉरेस्ट्री, व्हाट आर द एडवांटेजेस स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री, डिस्कस इंपॉर्टेंट एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम प्रिवेलेंट इन इंडिया, सेकेंड है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैंडिंग एंड कल्चरल ऑपरेशंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ थिनिंग एंड एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ थिनिंग प्रैक्टिस इन फॉरेस्ट, एंड थर्ड है डिस्कस द कल्टिवेशन प्रैक्टिस ऑफ इकोलिप्टिस एंड इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पेशीज ग्रोइंग इन पंजाब लॉन्ग विद इट्स वेरिएंट्स एंड यूसेस। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पेपर पे जो कि है हॉर्टिकल्चर का, इसमें फर्स्ट सेक्शन में आते हैं एयर लेयरिंग, बी पे आता है हेप्सोडियम, सी पे आता है जुवेनिलिटी, डी पे आता है एपिकल्चर, ई पे आता है क्लाइमेटिक फ्रूट्स, एफ फ्रूट डेवलपमेंट इन लोकार्ट, ई जी पे आता है मेडिसिनल प्लांट्स, एच फ्लड इरिगेशन, आई हेडिंग बैक, एंड जे स्कारिफिकेशन। उसके बाद बी सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है What do you mean by layout of an orchard? Discuss important aims of orchard layout. Second question है What are the various climatic zones of Punjab and the types of fruit growing in them? Third है What are the prerequisites for selecting a root stock and kind for budding and grafting? Fourth number पे आता है Differentiate between pollination and pollinizers, giving examples. And last में आता है What are the various factors affecting the seed germination? उसके बाद सेक्शन सी जिन फर्स्ट है What is unfruitfulness? What are the causes and methods of overcome unfruitfulness? Second question है What are the various propagation structural chimerical used for nursery raining? What are their advantages and disadvantages? And last question है Mention the advantages and disadvantages of sexual and asexual propagation in fruit crops. तो ये था हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन पेपर। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे है
जो कि है इंग्लिश का। तो इसमें पहला सेक्शन है जिसमें कि आपको पूछा गया है व्हाट आर द मेन ऑफ स्पोर्टिंग स्प्रिंट। तो ये क्वेश्चन पेपर है जिसको आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। इसमें मेन ग्रामर ही आती है हर बार, तो आपको चाहिए कि आप ग्रामर की अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो इसको हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है बायोलॉजी का, जिसमें ए सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं वो है पहले इक्वेशनल डिवीज़न, बी पे है पेरिजेनी, सी टैक्सोनॉमिक हेरिटेज, डी पे आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ई पे आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, एफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जी पे आता है एजियोजेनेसिस, एच पे आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एफ नंबर पे डिफरेंशिएट बिटवीन फाइलोट एंड फाइलोक्लैट, एंड जे पे आता है राइबोसोम। उसके बाद आते हैं बी सेक्शन में जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेजिमोस इन्फ्लोरेंस, गिव सुटेबल एग्जांपल्स, एंड सेकंड है एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस ऑफ मियोसिस वन विद टेबल डायग्राम, थर्ड नंबर पे है व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट वेरियस रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एंड फोर्थ नंबर पे है डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फीचर्स फ्लोरल फार्मूला एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली पोस्टिस, एंड लास्ट में आता है गिव एन आउटलाइन ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। उसके बाद आते हैं सी सेक्शन में, तो फर्स्ट है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, एंड बी पे है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन आइसोलेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन इन एवोल्यूशन, एंड लास्ट में है गिव एंड इलस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ मेसाइग्राम एंड ग्राम सीड। तो ये था बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है एग्रोनॉमी का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सीड बेड, बी पे है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, सी एग्रोनॉमी, डी इंटरक्रॉपिंग, तो ई क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन, एफ नंबर पे है फील्ड कैपेसिटी, जी प्लांट आइडियोटॉप, एच नंबर पे है एलिलोपैथी, आई क्रॉप न्यूट्रिशन, एंड जे अवेलेबल वाटर। उसके बाद है बी सेक्शन जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर, सेकंड है डिफरेंशिएट क्रॉप डेंसिटी एंड ज्योमेट्री बाय सेटिंग स्टेबल एग्जांपल्स, एंड थर्ड इज डिस्क्राइब एडेप्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप विद सुटेबल एग्जांपल्स, एंड फोर्थ नंबर पे आता है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप्स विद स्टेबल एग्जांपल्स, एंड फिफ्थ नंबर पे आता है डिफरेंशिएट टिलेज एंड टिल्थ, गिव करेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड सीड बेड। उसके बाद आता है सेक्शन सी जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्रीन मैन्योरिंग, राइट डाउन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप, एंड बी इज राइट द नेम ऑफ टू ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स विद सॉयल फर्टिलिटी कैन बी मेंटेन्ड, एंड उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन जिसमें ए है डिस्कस सॉयल प्लांट वाटर रिलेशनशिप इन डिटेल, एंड सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस क्राइटेरिया ऑफ इरीगेशन शेड्यूलिंग, एंड थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन वीड एंड डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस क्रॉप वीड कंपटीशन एंड लॉसेस कैस्ट बाय वीड्स। ये क्वेश्चन पेपर है एक्सटेंशन साइकोलॉजी का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एग्रीगेशन और सेकंड क्वेश्चन है रेफरेंस ग्रुप, सी नंबर पे आता है सोशल इंटरेक्शन, डी है मॉस वर्सेस फ्लॉक पेस, ई पे है एंथ्रोसेंट्रिज्म, एफ पे है मैट्रिलेटरल फैमिली, जी एम्प्लीफिकेशन, एच एजुकेशनल साइकोलॉजी, आई पैटर्नियल फैमिली, एंड जे साइकोलॉजिकल ट्रेट। उस पर भी सेक्शन है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इसका द क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ मेंबरशिप, सेकंड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लास पैटर्न एंड कास्ट पैटर्न, थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द मीनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद द फाइव मेजर इंस्टीट्यूशन इन रूरल सोसाइटी,
फोर्थ क्वेश्चन है इन्यूमरेट द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फोर्थ फिजियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ टीचिंग इन मोटिवेशन द सिक्स स्टेप इन एक्सटेंशन टीचिंग हैव बीन डिराइव्ड डिस्कस द स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग। उसके बाद आता है सेक्शन सी जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ए बे राइट डाउन द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी बी पर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द मीनिंग एंड डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ कल्चर आल्सो डिस्कस द इट्स रोल इन एक्सटेंशन एंड बी हिज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कस्टम्स एंड आल्सो एनुमरेट द क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम्स एंड नाइन्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस डिस्कस द टाइप एंड फैक्टर अफेक्टिंग द इंटेलिजेंस एंड बी क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस इन एक्सटेंशन वर्क। उसके बाद क्वेश्चन पेपर आता है सोयल साइंस का जिसमें ए सेक्शन में है फर्स्ट क्वेश्चन सोयल क्लाइट्स बी इज कुलिवियम सी इज एलिवेशन डी है सोयल टैक्सोनॉमी ई पर है डेट्रिफिकेशन एफ पर है केटन एक्सचेंज कैपेसिटी एच पर है ह्यूमिक सब्सटेंस एच पर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आई पर चार्ज ऑन क्ले मसिलिस एंड जे इज सोयल कंपोजिशन। उसके बाद आता है सेकंड सेक्शन जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सोयल एंड देयर रिकम्बिनेशन। सेकंड क्वेश्चन इज एनालिस्ट प्रोसेस ऑफ सोयल फॉर्मेशन एंड डिस्कस रोल ऑफ एनी वन इन डिटेल। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस सोर्सेज ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन सिलिकेट क्ले मिलनर्स। फोर्थ क्वेश्चन इज बोल्ट डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी ऑफ अ फील्ड वेयर रिपोर्टेड एज 1.64 एंड 2.75 रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द परसेंट पोरोसिटी ऑफ सॉइल। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज डिराइव रिलेशन अमंग बोल्ट डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी एंड पोरोसिटी। उसके बाद आता है सेक्शन सी जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस फैक्टर्स एसोसिएटेड विद अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कंडीशन अंडर विच एसिडिक सोइल आर फॉर्म्ड एंड राइट डाउन अबाउट देयर रिकम्बिनेशन एंड लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन रोल ऑफ सोइल ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। तो ये थे सभी क्वेश्चन पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए BSc एग्रीकल्चर से संबंधित और भी इम्पोर्टेंट जो है जानकारी वो लाता रहूँगा। तो थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।